अलबाइसु का माना होता है सर मौत के बाद ज़िंदगी अता फरमाने वाला। यकीनन मेरे अल्लाह की बड़ी शान है, वो हर शय पर कादिर है, वो जो चाहे करे। सर अल्लाह के इस मुकद्दस नाम का कमाल ये है कि अल्लाह अपने इस मुकद्दस नाम की बरकत से मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता फरमा दिया करता है। अल्लाह मुर्दा दिलों को भी ज़िंदा कर दिया करता है। और जिस जगह अल्लाह के इस मुकद्दस नाम का विर्द किया जाता है, जहाँ पर अल्लाह के इस नाम को पढ़ा जाता है, वहाँ पर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता है। वहाँ पर अल्लाह की क्षमा छम रहमतें बरसती हैं। और इस नाम पाक का वजीफ़ा करने वाला जो होता है, अल्लाह उसे लोगों का हादी, लीडर और रहनुमा बना दिया करता है, जो लोगों को अंधेरों से, कुफ्र से, दलालत से और गुमराही से निकाल करके नूरे हक की तरफ लेकर के आता है। जो शख्स इस नामे पाक का वजीफ़ा करेगा, अल्लाह मुआशरे में और समाज में उसे इज़्ज़त वक़ार अता फरमाएगा और उसे कौम का लीडर और रहनुमा बना देगा। जो लोगों की लीडिंग करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, और इस तरह गोया वो लोगों के दिलों को ज़िंदा करेगा। और अगर कोई शख्स सोते वक्त अपने सीने पे हाथ रख करके 101 मरतबा या बाइसू पढ़ ले, इसका विर्द कर ले, तो कहते हैं अल्लाह करीम उस बंदे के दिल को इल्म, हिकमत और अपने अनवार व तजल्लियात से भर देगा। अल्लाह उसके दिल को मुनव्वर फरमा देगा।